ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मैं इस श्रृंखला में निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में हमारे जो आज लखनऊ से पधारे आदरणीय राधा दीदी जी की जो पालना है, आप शायद मालूम होगा जो कल्याणपुर के जो सबसे पहला मकान को ईश्वरीय सेवा में मिली, वो दीदी जी के संकल्प से, दीदी जी की प्रेरणा से, दीदी जी की स्टूडेंट के द्वारा ही को मकान मिली थी, जो जहाँ पर हम लोगों ने सेवाएं शुरू किया था, तो उसमें आदरणीय राधा दीदी जी निमित्त बन गई थी। तो जितनी कार्यक्रम हम लोग कल्याणपुर में करते हैं, विशेष बड़ा कार्यक्रम में आदरणीय राधा दीदी जी, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो राजधानी लखनऊ में सेवाएं रहे, बहुत व्यस्त रहते, बहुत वीआईपी की सेवाएं देखती रहती है। अब मैं आदरणीय राधा दीदी से निवेदन करता हूं और आप लोग करतल ध्वनि से जोरदार से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आदरणीय राधा दीदी, परम पिता, परम शिक्षक, परम रक्षक, पिता परमात्मा के सर्व प्यारी संत, आज के मंच की शोभा प्रभु के विशेष रतन, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिवरात्रि के बाद का आज पहला सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन किसका होता है, किसका होता है? शिव बाबा का होता है। आप सभी आज के दिन शिव बाबा को अर्पित करके यहाँ सभा में उपस्थित हुए हैं, तो उपस्थित होना ही सिद्ध करता है उस पिता के प्रति हमारे मन में सम्मान है, प्यार है, रिगार्ड, रिस्पेक्ट है। और मंच पर उपस्थित एक एक महानुभाव जिनका वर्णन हो रहा था, ऐसे भी हम बैठे हैं ब्रह्माव्रत बिठूर की धरनी के पास बैठे हैं। ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है, ब्रह्मा ने संकल्प किया, संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। ऐसे हमारे भगवती भाई जी कह रहे थे, मन में संकल्प आया तो जो संकल्प से सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा के किनारे पे आप बैठे हुए हो, क्या आपका संकल्प सिद्ध होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा भाई? और संकल्प भी किसके लिए? अपने लिए, स्वार्थ के लिए, नाम मान शान के लिए नहीं, अनेकों के कल्याण के लिए। हमारे प्रकाश भाई, उमा बहन, भगवती भाई जी ने आज जो एंजिल वर्ल्ड, जो हम सबको फरिश्ता बनने की प्रेरणा देने वाला ये स्थान, जिसका निर्माण अनेकों के कल्याण के लिए, क्योंकि परमात्मा के जब से बने पूरे भारतवर्ष में चक्कर लगाने का मौका मिला। जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले नाम जो होता है ना, जिन्होंने वो बनाया, जिसने दान किया, पहले बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम होता। हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं ताकि सारे लोग क्या करें, उसके अवज में, उसके रिटर्न में मेरा नाम ले। आप जब गेट से एंटर करते हैं, कहीं भी नाम देखा भगवती भाई जी का, कहीं भी नाम है? इसका मतलब इस स्थान को बनाने का उद्देश्य क्या रहा, किस लिए? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में रहकर जहाँ कायदे कानून को बनाया जाता, पालन किया जाता है, तो देश की, प्रदेश की स्थिति गति को जानते हुए भी इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी भावना उन्होंने ली है, तो इसका मतलब इनके मन में समाज के अंदर, समाज को एक श्रेष्ठ, पावन, पवित्र एंजिल, छोटा मोटा काम नहीं है। एक सेकंड में एक नींद गोली खा करके भी 8 घंटा किसी को नींद आती है, नींद की गोली खाने के बाद बड़ा खुश होते हैं, आज मैं ऐसा लग रहा था मैं उड़ रहा था ये गोली खाने के बाद। तो भाई साहब ने ऐसा स्थान जहाँ आने वाला हर व्यक्ति कैसा महसूस करे,
एंजल्स कैसे होते, धरती पे होते, उड़ने का अनुभव करें, एक ऐसा स्थान बनाकर अनेकों के जीवन को खुशदायी सुखनुमा। ये वास्तव में ये राजनीति के आधार पर राज्य करने वाले नीति को उन्होंने पहले रखकर राज्य करने की विधि को अपनाया है, सुख देना, खुशी देना, शांति देना। अब हम आते हैं आज का जो त्यौहार, शिव जयंती, शिवरात्रि का त्यौहार। हमारे बहुत से कुछ यंगस्टर्स पढ़े लिखे कहते हैं, दीदी हमारे जीवन से इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये धार्मिक त्यौहार है, एक दिन के लिए मंदिर में हम जाएंगे, घंटा घड़ियाल बजाएंगे, अक्क धतूरा चढ़ाएंगे। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे वर्तमान जीवन से, सामाजिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से इस त्यौहार का कोई संबंध है या नहीं है? बताइए भाई लोग, बताए, नहीं है या है? है व्यक्तिगत जीवन से, जो है समझते हैं हाथ उठाइए, नीचे का। जो नहीं कह रहे मेरे जीवन से कोई इसका मतलब ही नहीं, संबंध नहीं, वो हाथ उठाओ। नहीं, इसका मतलब इस त्यौहार का हमारे जीवन से संबंध है। थोड़ा सा गहराई से देखिएगा। पहले बात, 75% लड़ाई झगड़े का कारण धर्म। कौन से धर्म में कहा गया है आपस में लड़ना झगड़ना, वैर विरोध मार काट है? किसी धर्म, किसी भी धर्म वालों से जाकर के पूछो तो क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो कहा जाता है, एक गाल पे चाटा कोई मारता है, उसके आगे दूसरा गाल रख। तो जब धर्म से विपरीत होकर के कर्म करने लगते हैं तो ये वर्तमान की स्थिति आज की। और दूसरा, डिफेंस में हम क्यों जा रहे हैं? हमें किसी दूसरे देश से डर लग रहा है, दूसरे धर्म से हमें डर लग रहा है, कहीं मार ना जाए। इतने मुझे अचानक डिफेंस एक्सपो में भी जाने का मौका मिला हुआ था, देखा हमने इतने अच्छे अच्छे वेपन्स, इतने अच्छे अच्छे जो वर्तमान समय की जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें वहाँ पे दर्शाई गई थी। तो हम लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पैसा लगा रहे कर रहे हैं, क्या इसके बावजूद हम सिक्योर्ड हैं? हाँ या ना? नहीं, 50% पे हमारा पैसा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम सिक्योर नहीं हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। इसका जो उत्तर है, इसका जो जवाब एक्सटर्नल दुनिया में नहीं है, वो कहाँ है? आध्यात्मिकता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो उपाय, वो हल, वो रास्ता यहाँ बताया जाता है। तवा सितारा चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा, उस आत्मा की जब पहचान हम कर लेते हैं, चमकता हुआ सितारा देखते हैं, दूसरों को भी जब उसी सितारे के रूप में देखेंगे तो हिंदू मुसलमान ईसाई का जो भेदभाव था वो मिट गया। तो मिट जाने से क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति आत्मभाव जागृत हो गया, तेरे मेरे का भाव समाप्त हो गया। तो ऐसे भी देखिएगा आप, जो भी माउंट आबू गए हैं, 140 देशों के भाई बहने वहाँ आते हैं, एक टेबल पे बैठे, को मुंह ना खोले तब तक नहीं पता पड़ेगा आपको, ईरान से आए, इराक से आए, पाकिस्तान से आए हैं, लंदन से, अमेरिका से आए, एक टेबल पे यहाँ कहाँ नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा, अनुभव किया जा रहा है। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई है। जब ये सत्यता को जान जाते हैं तो हमारा भय समाप्त। उस परमात्मा को लेकर के जब हम लड़ से कम इस संस्था से जुड़े हुए भाई बहनों के मन से वो वैर विरोध की भावना समाप्त हो गई। दूसरी बात, सुरक्षा की जो बात आई, सुरक्षा किसकी, किसकी सुरक्षा की आज आवश्यकता है?
क्या हम चार बॉडीगार्ड ही हमारी सुरक्षा करेंगे? और सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको प्रदान की जाती है इस भारत देश में? किसको सबसे ज्यादा? प्रधानमंत्री जी को। इंदिरा गांधी जी को किसने मारा था? किसने मारा था? सबसे ज्यादा सुरक्षा के ग्यारह रक्षक ही क्या बन गए थे? भक्षक बन गए थे। तो कहने का भाव, सुरक्षा सिर्फ बाह्य नहीं है। तो ये त्योहार हमको क्या सिखाता? हर मानव मन के अंदर व्याप्त पांच विकारों से अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है। और इस जब अपने विकारों से हम सुरक्षित रहेंगे तो निर्भय, भगवान को निर्वैर कहा गया, तो वैर की भावना होगी तो भय होगा। निर्वैर ही निर्भय बन सकता है। तो वैर विरोध की भावना जहां समाप्त हो जाएगी तो भय किस बात का? तो ये पर्व त्योहार हमको संदेश क्या देता है? उस सत्यता को जानो, अपने सत्य स्वरूप को जानो, दूसरा परमात्मा के सत्य स्वरूप, परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु विश्व कल्याणकारी, तीसरा जो अंधकार हम सबके अंदर व्याप्त है उस समय को लेकर के। ये जो समय चल रहा है ये परिवर्तन की वेला है, ये जागृत होने की वेला। आंखों से तो हम जाग चुके हैं लेकिन एक और गहरी नींद में हम सब सोए पड़े हैं, वो है अज्ञानता की नींद, जिससे हमें जागने की आज आवश्यकता है। आज एक बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है, भय है, नाम भी लेना नहीं चाहते। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? चाइना में कोरोना बीमारी। वही शुरुआत में सबने पढ़ा तो होगा ना, क्यों आई? क्यों आई मैं बताऊं? हाँ, क्यों आई? किसी ने, हमने सुना ये है, किसी ने चमगादड़ का सूप पिया था कहते हैं, है ना? क्योंकि ये त्योहार का भी संबंध देखिएगा व्रत के साथ है। ये जो त्योहार हम मना रहे ना, इसके साथ है ये व्रत का। एक व्यक्ति ने अपने 2.5 इंच की जबान के लालच में, लोभ में आ करके खा लिया, खुद का नुकसान, सात वालों का नुकसान, 25,000 लोग मर चुके हैं, 26 देशों में बीमारी फैल चुकी है, 1.5 लाख के करीब लोग इस बीमारी के वश है। हमारी एक माता रहती है, उनकी बहू वहां की, चाइना की है, कहते आज दीदी वहां ऐसा है जो देखे बीमार शूट करने के लिए कहा जा रहा। अभी यहां पता ही नहीं न्यूज वहां की, शूट करने के लिए कहा जा रहा। तो इसका सर में कहा, ये आसानी से कंट्रोल होने वाली चीज नहीं, 2 दिन पहले चीज नहीं। 2 दिन पहले का न्यूज था, सिंगापुर भी अगर कोई अर्जेंट हो तो जाना, नहीं तो वहां भी जाने के लिए, चाइना नहीं जाना, अभी सिंगापुर नहीं जाना, और 2-3 दिन के बाद कौन से कोई और देश बैन हो जाएगा, और चाइना की इकोनॉमी इसी 2 महीने में डाउन हो चुकी है। इन सब का जड़ क्या है? इस 2.5 इंच की जबान। हमने व्रत तो कर लिया, रोटी सब्जी तो हमने नहीं खाया, क्या हमने ईश्वर के द्वारा प्राप्त नियम मर्यादाओं का अगर पालन किया होता तो आज ये बीमारियां फैलती? कहते लोग कभी मजाक के रूप, अरे ब्रह्मा कुमारी ये तो भाई बहन बना देती है, ये तो खाने पीने के लिए सब जगह मना कर देती है। भाई ब्रह्मा कुमारी नहीं कह रही, इस विश्व का ठेकेदार, विश्व का रचयिता परमात्मा क्या कह रहा, उसको सबसे ज्यादा चिंता इस संसार की, मेरे से और आपसे ज्यादा चिंता उस परमात्मा की। उसने संदेश दिया कि इस दुनिया को आप बचाना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आपको अपने 2.5 इंच की जबान पर क्या, एक बोल के ऊपर कंट्रोल और एक खान पान के ऊपर। तो सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खाना यही व्रत नहीं, मेरे जीवन के लिए जो आवश्यक है इसकी समझ, इसका निर्णय कोई और नहीं लेगा। तो मन के लिए जो श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है कोई और नहीं लेगा। तो ऐसा सच्चा व्रत, सच्चा जागरण, जब इस रहस्य को जान करके हम मनाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, तो हमारे यहाँ जो व्रत ब्रह्मा कुमारी इसमें पूरे जिंदगी भर के लिए, जैसे भाई भाई साहब ने अथॉरिटी से कहा 21 जन्म, तो क्यों 21 जन्म? एक जन्म का 21 जन्म का सौदा है, एक जन्म करे
21 जन्म पाओगे। तो ऐसा महान कार्य चल रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के शुभ अवसर पर आप सभी थोड़ा सा अपना समय निकाल करके सोचिएगा। अभी जागने का समय आ गया, सिर्फ इन आँखों से नहीं, आंतरिक अपने बाबा के बच्चे ब्राह्मणों को भी भगवान का यही संदेश है। तीन चीज़ों से भगवान ने हम सबको जगाया। 20 तारीख को याद है सबको, कहीं ना कहीं ज्ञान समझ में आने के बावजूद भी आलस, दूसरा कौन सा अलबेलापन, तीसरा बहानेबाजी। इन तीनों की नींद में कहीं हम भी तो नहीं सोए हुए हैं। हमने बैस तो लगाया, मुरली तो सुन रहे हैं, अभी हमें सचमुच में जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि 84 जन्म का 84वां शिव जयंती का त्यौहार कुछ हमें खास अपने लिए लेकर, क्योंकि हमारे बनने से जो पूर्वज आत्माएँ रिस्पॉन्सिबल आत्माएँ होती है, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए अपना परिवर्तन कर एक समाज को सुंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि राम राज्य। तो कैसे आएगा राम राज्य? जिन्हें भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब हमने अपने जीवन को राम जैसे गुणों से संपन्न बनाने का संकल्प लेंगे, राम जैसे आचरण का, राम जैसे चरित्र का, तभी ये राम राज्य आएगा। सिर्फ नारे से राम राज्य नहीं आएगा। तो आज के शुभ अवसर पर हम सभी उस सतयुगी सतो प्रधान दुनिया को, निराकार राम के द्वारा स्थापित राम राज्य को लाने के लिए किन को छोड़ना पड़ेगा? अगर हमने क्रोध को पकड़ा होगा तो राम राज्य आएगा, ईर्ष्या को हमने पकड़ा होगा तो राम राज्य आएगा। हमने पकड़ा है गुस्सा, हमने पकड़ा ईर्ष्या, हमने पकड़ रखा है बदले की भावना, तो हम राम राज्य की कल्पना करेंगे वो साकार नहीं हो पा रहा। कोई और बाधा नहीं डाल रहा, बाधा कौन डाल रहे हैं? राम राज्य डालने में बाधाएं कौन है? कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जब हम ये संकल्प यहाँ से इसको रिलीज करेंगे, यहाँ से इन विकारों को छोड़ेंगे, तब जा करके फिर से राम राज्य स्थापित होगा। आज के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर के एक एक उंगली उस महान पर्व कार्य के लिए अगर लगाएंगे तो राम राज्य आना असंभव नहीं, इन्हीं आँखों से हम साकार में उस दुनिया को आते हुए देखेंगे। जब इस दुनिया में वो चीज़ें दिखाई देने लगेगी तो इस सब बातों का जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है भाई? हम जिम्मेवार। जब हम जिम्मेवारी अपनी लेंगे तो भगवान ने कहा बदला न लो, बदल करके दिखाओ। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति।